देखो आज हम लोग देखेंगे क्या नोटिस राइटिंग, ठीक है? नोटिस कि नोटिस हम लोग कैसे लिखते हैं। अच्छा सबसे पहले बता कि नोटिस होता क्या है, सूचना। आखिर ये नोटिस होता क्या है, सूचना? सूचना नहीं तो कैसे सूचना? जरूरी सूचना। क्या आवश्यक? कैसे सूचना? किसी के बारे में कोई किसी चीज के बारे में कुछ सूचना देना नहीं, यही नोटिस को क्या सिंपल को समझे तो नहीं। अच्छा ये नोटिस जो है एक निकलता है खासकर स्कूल और कॉलेज में निकलता है नोटिस। हाँ तो नोटिस निकलता है स्कूल और कॉलेज में। तो स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस निकलता है वो कहाँ निकलता है, नोटिस कहाँ लिखा रहता है? नोटिस बोर्ड में। नोटिस बोर्ड है ना, कि नोटिस जहाँ पे वो इशू होता है उसको कहते हैं नोटिस बोर्ड, ठीक है? बुलेटिन बोर्ड हो गया था ना, लास्ट लेसन क्या था? बुलेटिन बोर्ड। तो स्कूल, आप बताओ कि जब स्कूल और कॉलेज में जब नोटिस निकलता है वो किसके लिए होता है, टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, कि स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए। हालांकि स्टूडेंट के लिए होता है लेकिन सबको समझना चाहिए। तो एक्चुअली वो स्कूल और कॉलेज जो होता है वो किसके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक ना? वो उसके स्टूडेंट के लिए ही रहता है नोटिस कि ये है ऐसा है वैसा है, ठीक। तो खासकर वो उसी के लिए रहता है, इसके लिए स्टूडेंट के लिए। कौन सा नोटिस में जो कि स्कूल और कॉलेज में निकलता है, इसका तुम पता है कि मान लो कि गवर्नमेंट सरकार जो है सरकार द्वारा कुछ निकाला नोटिस सूचना, ठीक ना, कि आज से जो आज से सभी स्टूडेंट को 1,00,000 रुपया मंथली फी मिलेगा, ठीक ना, और प्लस में एक लैपटॉप मिलेगा, डाटा फ्री मिलेगा, ठीक ना। सरकार अगर निकालेगा नोटिस कि कल से जो है सब स्टूडेंट को लैपटॉप नहीं एंड्रॉइड सेट फ्री मिलेगा और प्लस में फ्री डाटा जितना करना करो, नहीं तब ये नोटिस कहाँ निकलेगा? पेपर में देता है ना। तो खास कर जो गवर्नमेंट नोटिस निकालती है वो कहाँ निकालती है, पेपर में निकालता है खास कर। ऐसे तो इशू होता ही है लेकिन ऐसे खास करना को कहाँ से मिलता है तो पेपर से मिल जाता है ना। बाकी अच्छा तो न्यूज टेलीविजन ये वो नहीं हो गया, ठीक ना। तो ये चीज है। अब आगे कि नोटिस जो होता है ना, कि नोटिस के लिखने का ढंग कैसे होता है, ठीक ना, नोटिस लिखने का ढंग कैसा होना चाहिए, नोटिस हम लोग कैसे लिखते हैं। तो क्या है कि सबका लिखने का एक अलग नहीं थोड़ा सा अपना नहीं ओके तो नियम होता है, हमको उस नियम को फॉलो करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस में जो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर में, ठीक ना, इसको क्या होते हैं टॉप, है ना, ऊपर पार्ट में क्या होते हैं टॉप और नीचे पार्ट में क्या होते हैं बॉटम। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स बटन मीन्स वो बटन नहीं बॉटम। तो ये टॉप तो सबसे ऊपर जो है ना सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस उसका कॉमा देके प्लेस मींस कि उस संस्था का नाम, उस कोचिंग का नाम, उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम जहां से ये नोटिस निकल रहा है, ठीक ना, और वो कहां पर उसका जगह का नाम वहां पर हम लिखते हैं। पसंद आएगा? तो सबसे टॉप में सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं, कॉलेज स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं, सबका उसका नाम लिख देते हैं। सेकंड में जो है नीचे एक वर्ड लिखते हैं, दी वर्ड नोटिस, यानी इस नोटिस को लिखा जाता है कि वर्ड नोटिस वर्ड यानी कि यही लिखा जाता है नोटिस NOTIC ये लिखा रहता है, ठीक ना, ताकि पता चले कि ये क्या है नोटिस है। और उसके बाद इस नीचे इधर ही साइड में कौन सा है, लेफ्ट साइड में डेट रहता है, ठीक, लेफ्ट साइड रहता है डेट लिखा रहता है, ठीक, इस नीचे यहाँ पर एक डेट ही लिखा हुआ रहता है। तो उस डेट जिस दिन को वो नोटिस को इशू कर रहा है उसका वो डेट लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं हेडिंग और सब्जेक्ट, हेडिंग टॉपिक नहीं कि तुम जो नोटिस निकाला है किससे रिगार्डिंग निकाला है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड निकाला है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है निकालने का ना,
कि हम फिर बोलना चाहते हैं तो बोलो, तो बोलने का मकसद क्या है, तो नोटिस जो निकाले हैं तो उसका क्या है उसमें, ठीक ना, उसका हेडलाइन लिखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कंटेंट, कंटेंट मीन्स बॉडी ऑफ नोटिस, मीन्स पर क्या हुआ कि उसमें क्या क्या है, नहीं ये तो क्या हेडलाइन, इसे क्या क्या है, इसे क्या क्या लिखते हम लोग, एकदम पर्पस, मीन्स इस नोटिस को तुम क्यों लिखा है, तो उद्देश्य क्या है, मतलब इवेंट कौन सा घटना होने वाला ना, कौन सा समारोह फंक्शन क्या है, नहीं उससे रिलेटेड। फिर ओकेजन, वही अवसर, अवसर कौन सा अवसर है, शुभ अवसर है, बैड अवसर है, कौन सा अवसर है, नहीं वो। उसके बाद है डेट टाइम और वेन्यू, डेट मीन्स वो जगह कब होगा, कहाँ होगा, कितना बजे से होगा और कहाँ होगा, वेन्यू मीन्स क्या होता है, प्लेस, स्थान, ठीक ना। तो इसके बाद नोटिस जब यहाँ लिख देंगे हम, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ इस्टोनियन अथॉरिटीज, साइन कर देना, ठीक ना, उनसे नवाज नाम लिखते हैं, इधर ब्रैकेट नेम मिल सकता है, ठीक ना, नीचे नेम, और यह है डिजाइनेशन, मीन्स कि वो जो नोटिस निकाला है वो कौन है, वो कौन है, मीन्स एसपी है, डीसी है, मॉनिटर है, प्रिंसिपल है, कौन है, तो उसको यहाँ लिखते हैं कि ये वो है, सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, नहीं, बस समझ आया इतना सर, क्या समझ आया, समझ आया, क्लियर हो गया, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब नोटिस लिखना है तो इस फॉर्मेट को क्या करना है, फॉलो करना है, इस फॉर्मेट को क्या, सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद ये वर्ड नोटिस लिखना है, इधर हमको डेट लिखाता है, यहाँ पर हेडिंग या सब्जेक्ट लिख जाता है, उसके बाद कंटेंट, फिर पर्पस, इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू, आइदर सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटीज, नहीं जो सिग्नेचर करता है उसका सिग्नेचर, वो कौन है, उसका नाम, उसका पता, क्या चीज है वो, हमको क्या होता है, बताना होता है। आप एक एग्जाम्पल हो तो समझ में आएगा, ठीक ना, चलिए ना मुझे एग्जाम्पल देना है। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में चिल्ड्रन डे होने वाला है, ठीक, चिल्ड्रन डे का फंक्शन होने वाला है, तो पार हो गया अभी, ठीक ना, तो मान लो कि तुम्हारे स्कूल में चिल्ड्रन डे का फंक्शन होने वाला है या फिर टीचर्स डे ही होने वाला है, ठीक, तो टीचर्स डे क्या करते हैं हम लोग, एक मॉनिटर बनता है, हेड नहीं, हेड बन के कुछ चंदा नहीं, ठीक कलेक्ट करना है, फिर ये बोलते हैं कि डांस कौन भाग लेगा, नहीं कौन सा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम कितना बजे स्टार्टिंग होगा, मान लो कि तुमको इसके बारे में क्या करना है, लिखना है, नोटिस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जब हमको अगर नोटिस लिखना है किसके बारे में, टीचर के बारे में, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके मोटा है कि इसको रहने दें, साइड में कोना कोना लिख देंगे, नहीं मिटाते नहीं है, कोना कोना लिख देंगे, सुनाते हैं बस, क्या है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, प्लेस, बताओ कि तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है, यहाँ पर नाम लिख देंगे हम लोग, जैसे कि कोचिंग का नाम क्या है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, अरे खास कर याद रखना इसको हम लोग कैपिटल में लिखना है, लिखना पूरा, ठीक ना, या फिर एक फर्स्ट कैपिटल बीच वाला वो हो गया, अब ये वर्ड लिखना है क्या, नोटिस, हो गया, उसका नेक्स्ट डेट 24/11 कितना, इसलिए वो इसलिए फॉर्म है नंबर 2011, ये हो गया। आई हैव अ हेडिंग, किसके बारे में लिखते हैं, टीचर डे, आज लोग नहीं 25 दिसंबर सर, क्रिसमस, क्रिसमस डे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्रिसमस, यहाँ पर लिखेंगे लोग क्या, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, नहीं ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हेडलाइन, हेडिंग्स, ठीक ना, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वो कंटेंट, ठीक ना, तो कंटेंट से लिखते हैं, Thank you.
कहाँ है डस्टर? डस्टर इधर ही होगा, इसी राइट। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है तुमको क्या कंटेंट, कैसे लिखते हैं वो स्टार्टिंग ऐसे, ऑल नहीं, ऑल स्टूडेंट आर इनफॉर्म दैट। ठीक, सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि क्या वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे ऑन 25th December। वन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, ठीक ना, जो भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है प्लीज इनलिस्ट देयर नेम टिल दे देंगे, कि कहां तक कब तक अपना नाम लिखना है दे देंगे 20 December तक नहीं है कुछ भी, उसके बाद लिखेंगे कि प्रोग्राम विल स्टार्ट, प्रोग्राम शुरू कब होगा, ऑन टाइम टाइम लिखा होगा ना, तो टाइम देंगे ठीक है ना, at 10 AM ठीक। जब प्लेस कहाँ होगा, तो होटल 5 star नहीं रे, ताजमहल, होटल ताजमहल, होटल ताज, ताज होटल। तो क्या करेंगे कि हमको नाम लिख देंगे, जगह का नाम लिख देंगे, ठीक, और लिखेंगे कि कौन सा अवसर पर हो रहा है, कौन सा ओकेजन हो रहा है, क्रिसमस डे पर हो रहा है, तो बस ये सारा चीज़ का लिखा हमको, जितना भी ये नोटिस है यानी कि जो भी मेन कंटेंट्स है ये सारा चीज तुमको यहाँ पर लिखना होता है इसे नीचे, हो गया। लिखने के बाद जो भी फिर चलता लेना है, नहीं डोनेशन लेना है, जो भी करना है प्रोग्राम भाग, सब कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ लिखने के बाद लास्ट यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक, साइन कर दो अपना, हो गया। यहाँ पर डेट लिख सकते हम लोग अपना, डेट लिखना तो 24 अगर तुम सेक्रेटरी है तो यहाँ लिखे नमस्कार प्रणाम चरण बिंद नहीं जो भी होता है, नहीं आदरणीय पूजनीय माताजी पिताजी जो भी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, ठीक ना, डियर सर, डियर मैडम, माय डियर फ्रेंड, ठीक ना, माय ड्यूरिंग फ्रेंड, जो भी लिखना है दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, ठीक, तो ये सैल्यूटेशन उसको बोलते हैं। तो याद रखना कि ये जो वर्ड है कौन सा वर्ड सैल्यूटेशन, ये यूज नहीं होता है किसमें, नोटिस, ठीक है, नोटिस में ये यूज नहीं होगा, बस सिंपल सा यूज करना है जैसे हम अभी बताए, बस इससे भी कुछ करना हमको नहीं है। लिखा हुआ सर, वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, कहीं नहीं, तो सब पास हो गया, लिख लिया, कर लिया है, किसी कुछ पूछना है तो बोलो, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है सर, नोटिस इज द स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट कर्टन एनाउंसमेंट फॉर प्रिंसिपल हेडमास्टर स्टूडेंट्स एंड प्यूपल्स, पानी लाने बोलेंगे, अब लिखो ना, रेडी, नो क्वेश्चन भगवान, लिखो फटाफट, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेंट सर्टेन announcement for
तो अनाउंसमेंट है भैया सर कॉटन सी आर प्रिंसिपल हेडमास्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू देखो व्हाई राइटिंग नोटिस व्हाई राइटिंग नोटिस सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज जब हम नोटिस लिखते हैं वन क्या हुआ कि स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस होता है उसमें कुछ उसमें रहता है अनाउंसमेंट कुछ घोषणा रहता है फोर में किसके लिए रहता है और इसमें टू में है व्हाइल राइटिंग नोटिस जब हम नोटिस लिखते हैं तो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज नहीं जो सिग्नेचर करता है अथॉरिटीज का वो कहाँ होता है नीचे में सर इसका है ऑप्शन ए टॉप ऑप्शन बी बॉटम ऑप्शन सी मार्जिन ऑप्शन डी नन तो ये कहाँ इसका होता है नोटिस इज नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन नोटिस जो निकलता है गवर्नमेंट के थ्रू से ठीक ना वो कहाँ अपीयर्स होता है कहाँ दिखाई पड़ता है कहाँ होता है ऑप्शन ए बुक किताबों में ऑप्शन बी स्कूल नोटिस बोर्ड ऑप्शन सी बोर्ड नोटिस बोर्ड ऑप्शन डी न्यूज़पेपर और टेलीविजन भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो नहीं दिया रहेगा नेक्स्ट है इन नोटिस राइटिंग इन नोटिस राइटिंग The name of the institution Son or organization is placed notice setting में जो नाम लिखते हैं organization का स्कूल कॉलेजों का वो कहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन ए है बिलो द हेडिंग एट द टॉप टाइप क्या बात
भाई समझ नहीं आ रहा है नोटिस नोटिस ही छूट गया हमको पता है समझ में ऐसे ही है पहले हम ही किए सुन नहीं रहे थ्री नोटिस आएगा इसमें सी ऑप्शन सी थिंक का सी ये कोर्ट नोटिस नोटिस का जो हेडिंग या सब्जेक्ट वो होना चाहिए कैसा होना चाहिए ऑप्शन ए है नॉट बी देयर मींस वहां नहीं होना चाहिए बिलोंग टेल कीवर्ड लंबा समझ दी और बी ब्रीफ एंड केची केची वो जो पकड़ में जाए तुरंत पकड़ा जाएगा और डी नंबर है नल ब्रीफ मतलब सर छोटा छोटा क्वेश्चन नंबर सिक्स वेयर इज दी पेशन नोटिस में सिलेक्शन कहाँ लिखते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं पड़ेगा सर एक ही ऐसा दिखता है कितना लिखना पड़ेगा लिखेगा नहीं कौन से लिखा रहे मॉडल फिर से मॉडल फिर कैसे सब तो लिख लिया ऐसे कहाँ लिख लिया फिर मारो मत लिखो बाद में जब भड़केगा डिस्टर्ब होगा था सा कंफ्यूज होगा ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव
समझो पहले, ऐसे समझो, फर्स्ट है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन्स सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि स्कूल और कॉलेज का जो नोटिस होता है उनमें कुछ अनाउंसमेंट होता है, किसके लिए होता है? स्टूडेंट के लिए। अगर है कि व्हाइल राइटिंग नोटिस, जब हम लोग नोटिस लिखते हैं, सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज, तो जो नोटिस निकालता है, इशू करता है, उसका सिग्नेचर शुड बी रिटन एट द, वो लिखा होना चाहिए कहाँ पर? टॉप ऊपर में, बॉटम नीचे में, मार्जिन होता है, मार्जिन कहता है ना, बीच नहीं, बॉटम है। हाँ तो सही आंसर क्या है? ये बॉटम नीचे होना चाहिए। नहीं आगे कह रहा है कि नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट इज जनरली अक्रॉस सीन, जो गवर्नमेंट निकालता है नोटिस वो कहाँ पर आता है? निकास कहाँ दिया पड़ता है? न्यूज पेपर। इन नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग में द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूशन का जो नेम होता है वो कहाँ लिखा जाता है? देखो कहाँ रहे फोर में बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे, एट द टॉप सबसे ऊपर, कि आफ्टर द डेट, डेट के बाद, कहीं भी, एट द टॉप सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, किसी भी नोटिस का जो हेडिंग या सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो एक है नॉट बी देयर, नहीं होना चाहिए, या फिर लॉन्ग टेल की वर्ड, लंबा सा होना चाहिए, या फिर ब्रीफ एंड कैची, या फिर छोटा हो और पकड़ में आ जाए आसानी से, ऐसा होना चाहिए ना? सही, सी नंबर, ठीक ना, ब्रीफ और कैची। सिक्स नंबर, वेयर इज दिस सैल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस, सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है? कहीं नहीं, बताया हाँ, क्या है कि नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेवन, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? सही कहा, ये कुछ इंफॉर्मेशन देना, नहीं लेना नहीं, वह टेक, ये मींस लेना नहीं, क्या करना होता है? देना होता है, हम देने के लिए लिखते हैं, इसलिए सी नंबर, टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये है हमारा नोटिस राइटिंग, क्लियर हो गया? वेरी गुड। रुक गया रे सर, वहीं पे खड़े हैं, ये किस हो रहा है?